नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अगस्त बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा परिवादी से उसकी 4 शराब की दुकानों को निर्बाध रूप से चलाने देने की एवज में रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी द्वारा आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों की भी तलाशी ली जा रही है। एसीबी डीआईजी समीर कुमार सिंह ने बताया कि अजमेर एसीबी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि किशनगढ़ में स्थित उसकी 4 शराब की दुकानों को निर्बाध रूप से चलाने देने की एवज में आबकारी निरीक्षक अवृत किशनगढ़ शिशुपाल द्वारा प्रति दुकान 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 20,000 रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक अवृत किशनगढ़ शिशुपाल को परिवादी से 20,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी का लिंक नेपाल से जुड़ा है। कैसीनो, नशा और बार डांस के शौकीन लोगों के लिए पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में दिल्ली और नेपाल से कुल 13 लड़कियां बुलाई गई, जो 2 दिन के लिए 5,00,000 रुपए के पैकेज में आई थी। ये लड़कियां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से लोगों को ताश में हराने का काम कर रही थी। वहीं कैसीनो चलाने वाले मोटा मुनाफा कमा रहे थे। शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए 2,00,000 रुपये प्रति मेंबर एंट्री फीस के तौर पर लिए गए थे। पार्टी का प्लान करीब 2 महीने पहले बनाया गया था। एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी ने बताया कि पार्टी में आई युवतियों में 6 नेपाल और 7 दिल्ली से बुलाई गई थी। पुलिस अब जांच में जुटी है कि जयपुर में पहले और कहां कहां इस तरह के आयोजन हुए हैं। क्राइम ब्रांच के सीआई खलील अहमद ने बताया कि क्राइम ब्रांच के हेड कॉन्स्टेबल महिपाल सिंह की सूचना पर कार्रवाई की गई। दिल्ली निवासी नरेश मल्होत्रा उर्फ राहुल उर्फ बबलू और उसके बेटे मनवेश पहले भी हाई प्रोफाइल पार्टी करवा चुके हैं। नेपाल में बैठे मनीष शर्मा से बाप बेटे ने कॉन्टैक्ट कर जयपुर में पार्टी अरेंज कराने के लिए कहा था। जयपुर जिले के कोटपुतली में जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर सड़क हादसा हो गया। ऑल्टो कार में रोहतक का एक परिवार अजमेर रिश्तेदारी में जा रहा था। जयपुर से करीब 90 किलोमीटर पहले चौकी गोवर्धनपुरा गांव की पुलिया पर ऑल्टो कार बेकाबू हो गई। तेज रफ्तार बेकाबू कार दूसरी लेन में सामने से आ रहे ट्रॉला से टकरा गई। कार के परखच्चे उड़ गए। कार में एक ही परिवार के 5 सदस्य थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायल हैं। कार रोहतक निवासी 28 वर्षीय दीपक जाट चला रहा था। दीपक अपनी मां 60 वर्षीय नरेश देवी, 58 वर्षीय मौसी संतोष देवी, 80 वर्षीय नाना राम हेयर और 75 वर्षीय नानी रामप्यारी के साथ अपने चाचा से मिलने अजमेर जा रहा था। हादसे में दीपक के नाना नानी और मौसी की मौत हो गई, जबकि दीपक और उसकी मां नरेश देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर शहर में खरीदारी करने आई महिला की चेन तोड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रिंस स्कूल के पास रहने वाली महिला गुलाब जब टैक्सी से उतर रही थी, उस दौरान उसके पास बैठी एक महिला ने चेन तोड़ ली। गनीमत रही कि गुलाब ने पीछा कर टैक्सी रुकवाकर चारों महिलाओं को पकड़ लिया, अपनी चेन लेकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस चेन तोड़ने वाली महिलाओं से पूछताछ कर रही है। जयपुर में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले वह 3 साल की बेटी को अपनी बहन के पास छोड़कर आई थी। सेक्टर 9 प्रतापनगर निवासी मृतका की बहन झरना ने उसके पति के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला प्रतापनगर पुलिस थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 26 प्रतापनगर निवासी 23 वर्षीय अंगिता बिस्वाल ने सुसाइड किया है। वह यहां अपने पति विकास बिस्वाल और 3 साल की बेटी रोशनी के साथ रहती थी। पुलिस को मृतका के पास से सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है कि मैं पति से बहुत प्यार करती हूं, उसके बिना नहीं रह सकती, मेरे पति को जेल नहीं भेजना। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही में पोक्सो विशेष कोर्ट ने बच्चे के अपहरण कर रेप का प्रयास करने वाले दोषी सुरेश कुमार को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि पालडी एम थाने में एक महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 27 सितंबर 2018 की रात को वह और उसका पति कुएं पर थे, जबकि उसकी 6 साल की बेटी सास ससुर के साथ घर में थी। दूसरे दिन सुबह जब वे दोनों घर पहुंचे तो उसकी सास ने बताया कि बीती रात को पोसालिया निवासी सुरेश कुमार मेघवाल उसकी बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया। बच्चे की नींद खुली तो वह रोती हुई घर पहुंची और उसने घर आकर पूरी बात अपने घर वालों को बताते हुए कहा कि सुरेश कुमार उसको अपने घर ले गया और उसके साथ रेप का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में आरोपी सुरेश के खिलाफ पोक्सो की धारा लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
जोधपुर जिले के उचियारडा गांव में एक व्यक्ति ने अपने ससुराल से कुछ दूरी पर पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ समय पहले ही उसने एक तलाकशुदा महिला से शादी की थी। मृतक के भाई ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का केस दर्ज करवाया है। एयरपोर्ट थाना अधिकारी उमेंद्र सिंह ने बताया कि झालामलिया गोपालगढ़ निवासी मनोहर ने बताया कि उसके भाई 35 साल के श्रवण दास ने देवनगर उचियारडा गांव में रहने वाली एक तलाकशुदा से प्रेम विवाह किया था। उसने महिला के साथ उत्तराखंड जाकर विवाह किया था। बाद में दोनों जोधपुर आ गए। महिला के पहले से 3 बच्चे थे। उसके भाई ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की है। थाना अधिकारी उमेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जयपुर में साइबर ठग ने गोल्ड ट्रेंडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा देकर अधेड़ से 33 लाख रुपए हड़प लिए। राजा पार्क निवासी महावीर प्रसाद अग्रवाल ने विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सीआई सतीश चंद चौधरी ने बताया कि साइबर ठग ने 2 जुलाई को पीड़ित को गोल्ड ट्रेंडिंग करने का मैसेज भेजा था। ठग ने अपना नाम एशली बताकर गोल्ड ट्रेंडिंग में करोड़ों रुपए का मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। पीड़ित ने बहकावे में आकर खुद के एवं पत्नी के खाते से 33,10,200 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस के पास अभी तक कोई लीड नहीं लगी है। जिस खाते में आरोपी ने पैसा डलवाया वह खाता खाली हो चुका है। ऐसे में बदमाश को पकड़ना और पैसा रिकवर करने में पुलिस को बड़ी परेशानी होगी। उत्तराखंड के टिहरी जिला घनसाली क्षेत्र के चिरबाटिया के ऊपर बादल फटने की सूचना मिली है। बादल फटने से जनहानि नहीं हुई है, लेकिन खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बादल फटने की पुष्टि की है। बुधवार सुबह 7 बजे चिरबाटिया के ऊपर बादल फटने की सूचना मिली थी, जिससे मूलगढ़ थारती मार्ग थारती के पास बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि मूलगढ़ क्षेत्र के ऊपर बादल फटा है, जिससे कृषि भूमि को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं नरेंद्र नगर के समीप मलबा और बोल्डर आने से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे फिर से यातायात के लिए बंद हो गया है। 4 दिन बाद बीती रात को ही हाईवे यातायात के लिए खुल पाया था।